बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम मेरे यूट्यूब के प्यारे प्यारे फ्रेंड्स को। मैं उम्मीद करती हूँ आप सब बिल्कुल ठीक और मज़े में होंगे। तो आज मैं बनाने जा रही हूँ स्ट्रीट स्टाइल बन कबाब या अंडे वाला बर्गर। तो चलिए रेसिपी की तरफ चलते हैं। रेसिपी स्टार्ट करने से पहले इस चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और साथ ही साथ बेल आइकन का बटन क्लिक कर लें। तो बर्गर बनाने के लिए यहाँ पे मैंने 3 बर्गर बन ले लिए हैं जिन्हें ऐसे कट कर लिया है। 3 एग ले लिए हैं, शामी कबाब लिए हैं। इसकी रेसिपी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, मैं आपको बनाना सिखा चुकी हूँ। 1/2 अनियन लिया है जिसे बारीक स्लाइस में कट कर लिया है, और यहाँ पे पुदीने और हरे धनिए की चटनी है, और साथ ही थोड़ी सी बंद गोभी ली है जिसे बारीक स्लाइस में कट कर लिया है। मायोनीज लेंगे और साथ में केचप ले लेंगे। अब बंद गोभी में 2 टेबलस्पून मायोनीज ऐड कर देंगे, थोड़ी सी ब्लैक पेपर ऐड करेंगे और थोड़ा सा सॉल्ट ऐड करेंगे। आप अपने टेस्ट के हिसाब से ऐड कर सकते हैं। अब इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे। इसको मैंने मिक्स कर लिया है, अब इसे साइड पे रख देते हैं। और यहाँ पे 3 एग्स ले लेंगे और इन्हें अच्छे से बीट कर लेंगे। पैन में 1 टेबलस्पून ऑयल लेंगे और इसे अच्छे से गर्म होने देंगे। अब इसमें हम एग बना लेंगे। अब एग को 3 पार्ट्स में डिवाइड कर देंगे और अच्छे से कट कर लेंगे। और यहाँ पे ये एग्स रेडी हैं, इन्हें मैंने प्लेट में निकाल लिया है। और अब यहाँ पे कबाब फ्राई करेंगे। कबाब को अंडे की कोटिंग लगा के हमने फ्राई कर लेना है। लाइट गोल्डन कलर होने पर इसकी साइड्स चेंज करेंगे। और ये देखिए, ये एक साइड से फ्राई हो चुके हैं, अब इन्हें दूसरी साइड से फ्राई कर लेंगे। तो चलिए जी, कबाब हमारे अच्छे से फ्राई हो गए हैं, अब इन्हें निकाल लेते हैं। अगर आपको मेरी रेसिपीज़ अच्छी लग रही हैं तो मेरी रेसिपीज़ को लाइक एंड शेयर करना मत भूलिएगा और मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताएं। तो चलिए यहाँ पे बर्गर बंस को थोड़ा गर्म कर लेते हैं। तो ये देखिए, बंस अच्छे से सिक चुके हैं, अब इन्हें निकाल लेते हैं। मायोनीज लगाएंगे, केचप लगाएंगे और इसको अच्छे से स्प्रेड कर लेंगे। अब इस पे कबाब रख देंगे और उसको पूरे बर्गर पे अच्छे से फैला लेंगे। अब इस पे हरी चटनी लगा देंगे जो पुदीने और हरे धनिये से बनाई थी। प्याज रखेंगे, एग रख देंगे, मायोनीज और बंद गोभी रखेंगे। और ये जी, हमारा अंडे वाला बर्गर तैयार है। और इसी तरह से बाकी सब बर्गर्स भी रेडी कर लेंगे। तो ये थी मेरी स्ट्रीट स्टाइल के फेमस बर्गर्स की रेसिपी जो कि मैंने अपने प्यारे फ्रेंड्स के साथ शेयर की है। अब आप लोग भी घर पर ज़रूर ट्राई कीजिएगा और मुझे कमेंट्स में लाजमी बताइएगा कि आप लोगों के ये बर्गर्स कैसे बने हैं।
अगर आप लोगों ने मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से मेरा चैनल सब्सक्राइब कर लें, साथ ही साथ बेल आइकन का बटन क्लिक करें ताकि मेरी हर आने वाली न्यू वीडियो सबसे पहले आप तक पहुँचे। मेरी वीडियोस अच्छी लगें तो थम्स अप दें। तो मिलते हैं इंशाल्लाह अपनी अगली रेसिपी में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।